जी तो नईम भाई, अभी आपकी माशाल्लाह लीडरशिप इधर आ गई है, हम अंडर योर लीडरशिप हम तो बड़े पॉजिटिव हैं, ठीक है। अब बकर भाई को भी आप माशाल्लाह लेके आए हैं, बड़े बकर भाई के वैसे ही इतना काम था, इतनी तारीफें हमने सुनी हुई थी, तो हम आपकी भी अब रिव्यू लेना चाहते हैं कि फेज़ टू को कैसे आगे लेके चलेंगे और हम सब को कैसे आगे लेके चलेंगे। अब फेज़ टू पर माशाल्लाह जितना आप सब दोस्तों ने बता दिया है, तो उस पर मुझे नहीं लगता कि मुझे अब कुछ और बोलने की ज़रूरत। बस ये कहूँगा कि मैनेजमेंट की जो कमिटमेंट है, वो जो मैनेजमेंट का विज़न है, वही फेज़ टू है। आपने मैं आप जैसे दोस्तों से मिलता हूँ, आप दोस्त ही मेरी मोटिवेशन है, आप दोस्त ही मेरी सपोर्ट है, आप दोस्तों से ही मैं भी सीखता हूँ और मैं उसी को आगे कन्वर्ट करता हूँ। दो तीन दिन पहले मैं एक दोस्त से मिला, तो उन्होंने कहा कि अलीम खान साहब ने सर्दी में खड़े होके, और उनकी इलेक्शन भी उससे मसरूफियत उन दिनों में थी, तो जो उनकी कमिटमेंट का आलम था कि वो खुद खड़े होके इस तरह से डाउनटाउन जो आपने देखा है कि वो 90 डेज़ का एक चैलेंज लेके चले थे, तो उन्होंने जैसे उसकी एग्जीक्यूशन करवाई, तो वो कहते उससे बढ़ के उन्होंने कभी कुछ नहीं देखा। तो जो खान साहब का कमिटमेंट, उनका जो पैशन है सोसाइटी के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए, मैसेज के लिए कुछ करने का, वो ही जो है वो ही सबसे बड़ा है। मुझे तो लगता है कि हम दोस्तों ने तो बस एक छोटी सी एफर्ट करनी है। माहौल तो खान साहब ने बना दिया हुआ है, माहौल तो मैनेजमेंट ने बना दिया है, मैंने तो बस वो एक कारवां का बनाना है, तो इंशाल्लाह और उसमें हम सब दोस्त भी ग्रो करेंगे। जैसे मैं चाहता हूँ कि आज का ये दिन ऐसा हो कि हम आज से कुछ 6 माह साल बाद बैठ के कहें कि बकर भाई, अबू बकर भाई, जब आप आए थे तो हमने आपको बताया था कि 1 साल में 300 टाइम 400 टाइम 500 टाइम ग्रोथ हुई, तो यार जब प्री लॉन्च के रेट भी इंशाल्लाह 1 साल बाद फेज़ टू में भी हम इतनी ही ग्रोथ इंशाल्लाह लेके आएंगे। मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ और मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर अल्लाह ताला से पुरउम्मीद भी हूँ, और वो उम्मीद मुझे इसलिए है कि मेरी इंशाल्लाह टीम बहुत अच्छी बन रही है, मेरे साथ इतने अच्छे अच्छे दोस्त हैं, हम मेहनत करेंगे और सपोर्ट हमें मैनेजमेंट की पूरी है। तो मैं एक बार फिर आप सब दोस्तों का और स्पेशली अबू बकर भट्टी साहब आपका, शबीर भाई जो मेरे साथ ही आए हुए हैं लाहौर से, उनका आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद यू। थैंक यू सो मच।